हेलो फ्रेंड्स, ये है अपने पास इलेक्ट्रिक जीप। तो दोस्तों, ये कुछ दिन पहले मेरे से मैं इसको दिल्ली से ले आया था और काफी अच्छी चल रही थी। तो फिर बीच में मैंने इसको क्या है बरसात में चला दिया, तो मुझे क्या आइडिया नहीं था कि बरसात में ये खराब हो सकती है। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो है कंट्रोलर खराब हो गया। तो उसके बाद क्या है कि मैं काफी सर्च किया, जिस पार्टी से लाया था उनको भी मैंने मैसेज किया, मगर उन्होंने क्या मेरे को रिप्लाई ही नहीं किया। तो फिर मैं परेशान हुआ कि आखिर मैंने अमेजोन पर इसका कंट्रोलर सर्च किया, तो कंट्रोलर आज मेरे पास आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ सामने, ये है पुराना कंट्रोलर इसका। ये थोड़ा डिजाइन हल्का सा अलग है, यहाँ पे ये प्लग अलग है, एंड ये 7 पिन वाला है कंट्रोलर। एंड ये आप देख पा रहे हैं, ये प्लस माइनस बैटरी का होता है, ये मोटर का होता है। तो ये जो है ये जल चुका है मेरा, ये मतलब पानी यहाँ पे जो है पानी भर चुका था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है पानी भर चुका था यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे पानी जाने का वो सोर्स नहीं था, तो फिर मैंने आखिर होल करके फिर निकाला था इसका पानी, दोनों साइड से होल कर दिया था। और कुछ दिन पहले मैंने ये इसमें बैटरी डाली थी, इसका मैंने वीडियो तो नहीं डाला था, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मार्केट में बैटरी आती है, ये 2 बैटरी लगी हुई, ये क्या है बहुत कम चलती है, मगर मैंने फिर इसमें ये 12 वोल्ट 28 AH की बैटरी डाल दी थी। तो फिर ये है कि मैं चार्ज करता हूँ और 1 हफ्ता मेरा जो है 1 हफ्ता चलती रहती है, मेरे को बार बार चार्ज नहीं करनी पड़ती है। 12 वोल्ट 28 AH की ई बाइक की बैटरी है, ठीक है। तो अब ये जो है कंट्रोलर ये जल चुका है, एंड जो है आज मेरे पास ये कंट्रोलर आया था, ये मैं निकाल चुका हूँ। एंड ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ये फिट किया है, ये नया कंट्रोलर है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपका ऐसा ही कंट्रोलर है मेरे जैसा, पिन आप चेक कर लीजिएगा, ये 7 पिन वाला है, एंड इसमें जो इस टाइप का ही अगर कंट्रोलर है तो आप भी बदल सकते हैं। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, जो आपका रिमोट था वो इसमें काम नहीं करेगा इस कंट्रोलर में, क्योंकि तो मैंने टेस्ट कर लिया है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे फिट करना है इसको, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फिट करना है, कनेक्शन पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है ये कंट्रोलर है, जैसे इसमें कार से जो है ये वायर्स आती हैं, ये 7 पिन की वायर्स है, आप देख पा रहे हैं, ये 7 पिन की वायर है। 7 पिन की वायर जो है ये यहाँ पे लगेगी, ये 7 पिन की वायर यहाँ पे लग गई। एंड ये जो है ये 2 पिन की जो स्टेयरिंग की वायर होती है, ये 2 पिन की स्टेयरिंग की वायर होती है, तो यहाँ पे ये वाली जो है ये यहाँ पे लग जाएगी वायर, ये यहाँ पे लग गई 2 पिन की स्टेयरिंग वायर। एंड उसके बाद जो है आप, ये जो है ये बैटरी की वायर है, बैटरी की वायर जो है मैं अभी कनेक्ट कर चुका था तो निकल नहीं रही थी, इसलिए मैं आपको लगा हुई है दिखा रहा हूँ। और ये मोटर की वायर है, ये आप देख पा रहे हैं, ये मोटर की वायर है, ये वाली जो है इसमें लगेगी 2 पिन, आप देख पा रहे हैं, ये 2 पिन है, ये मोटर की वायर है, इसमें कनेक्ट हो गई। एंड ये कंट्रोलर में और इस कंट्रोलर में थोड़ा सा डिफरेंस है डिजाइन का, आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है स्टेयरिंग की वायर इसी के साथ है, इसमें स्टेयरिंग की वायर यहाँ पे है, एंड ये दो, ये मोटर की वायर एंड ये बैटरी की वायर यहाँ पे है। और ये सिंगल यहाँ पे जो है ये 7 पिन वाली वायर है, मगर इस वाले कंट्रोलर में सिंगल जो है ये 7 पिन वाली वायर सिंगल नहीं है, यहाँ पे बगल में स्टेयरिंग की दे दिया है, यहाँ पे मोटर और बैटरी की दे दिया। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने इसमें लगा दिया है, बैटरी मैंने आपको बता दिया 28 एम्पियर की मैं लगा चुका हूँ। तो आपको अभी चालू करके दिखाते हैं, उसे कर दो, ये चालू करके दिखाते हैं, ये चालू हो गया, ये हमारी लाइट चालू हो गई है, ठीक है। अभी इसका साउंड वगैरह जो है सिस्टम, जो कि ये मैंने निकाला हुआ था, तो साउंड इसलिए नहीं बज रहा है। बाकी इसमें जो है स्विंग आप देख पा रहे हैं, ये स्विंग चालू हो गया है, ये स्विंग सिस्टम चालू हो गया है, ये चालू हो चुकी है अपनी गाड़ी ये कंट्रोलर के थ्रू, नए कंट्रोलर के थ्रू। अभी मैं इसको स्विंग बंद करता हूँ, एंड मैं आपको होते भी, और मैं आपको पुश बटन से, ये पुश बटन से मैं आपको चला के दिखाता हूँ गाड़ी, ये वो चालू हो गई, एंड ये बैक, एंड ये चालू, एंड ये बैक हो गई, ठीक है। तो अभी जो सिस्टम है ये तो चालू हो गया अपना, अब समस्या ये है कि रिमोट कंट्रोल इसमें कनेक्ट नहीं हुआ, तो फिर चलाएंगे कैसे। तो इसके लिए एक ऐप आता है, इसमें जो है QR मिलता है कंट्रोलर के साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने आइए। ये कंट्रोलर में एक QR रहता है, ये कंट्रोलर में एक QR है, आप अपने फोन से इसको स्कैन करेंगे
जैसे ही स्कैन करेंगे तो एक लिंक खुल जाएगा। लिंक से फिर इस ऐप को डाउनलोड करके इस वाले कंट्रोलर से अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आप चला सकते हैं। अगर आपका जो है रिमोट काम नहीं कर रहा है, रिमोट कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई रिमोट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप इसको जो है मोबाइल से भी चला सकते हैं। तो अभी हम आपको चला के दिखाते हैं मोबाइल के थ्रू, अभी इसमें जो है किस प्रकार से ये कनेक्ट होगा आपको हर एक चीज दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है ये हमारी शॉप है, और वैसे मैं ये रिपेयर नहीं करता हूँ गाड़ियाँ, मगर जो है मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस है, तो ये मेरी शॉप है जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल्स के पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, एंड हमारे पास ई बाइक भी अवेलेबल है, मगर ये गाड़ियाँ मैं रिपेयर नहीं करता हूँ, पहले आपको बता दूँ। कई लोग क्या फिर मैसेज करने लगेंगे कि भैया मेरी भी गाड़ी आप रिपेयर कर दो, तो मैं रिपेयरिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी पर्सनली मैं ये मंगवाया है और मैं फिट किया हूँ इसलिए, क्योंकि ताकि जो है आपको भी नॉलेज मिल पाए कि अगर आपकी ये गाड़ी खराब हो चुकी है, कंट्रोलर खराब हो चुका है, तो इसको आप रिपेयर कर पाओ। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपने फोन के थ्रू इसको चला के, तो इसको अपन नीचे कर लेते हैं, ये अपनी गाड़ी रखी है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इसको चला के दिखाता हूँ आपको, ये तो ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, एंड इसका मैंने जो है ऐप ये इंस्टॉल कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ 2 सेकंड। ये है ड्रीम कार करके ऐप, इसका इंस्टॉल हो चुका है, एंड ये जो है ये कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट हो चुका है, ये इसको कनेक्ट, जैसे ही हम स्टेयरिंग घुमाएंगे ये पीछे करेंगे वो दिखा, हमारे गाड़ी की गाड़ी के दिखा, अच्छा मुंह सब पहुंचे पाँच बाउंड अपन है देवन क्या दिख पा रहे हैं। ये कनेक्ट हो गई है मोबाइल से, इसको बैक करते हैं, एंड ये इसको टर्न भी कर रहा है, तो यहाँ से जो है ये काम करने लगती है, कामों का रिकॉर्ड कर आना पहुंचे मैन वन, तो ये रिकॉर्ड हो रही है, ओके दिखा रहे थे। तो ये मोबाइल से कनेक्ट हो चुकी है, ये रिकॉर्ड हो रही है बराबर, ये चल रही है मोबाइल से, ये मोबाइल से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये मोबाइल फोन से कनेक्ट हो रहा है, एंड इसको मैं पीछे लाता हूँ, अभी ये पीछे आना चालू हो गई है, तो इस प्रकार से आप जो है अगर रिमोट से अगर कनेक्ट नहीं होती है रिमोट से मोबाइल, ये रिमोट कनेक्ट नहीं होता है, अगर रिमोट से कनेक्ट नहीं होता है ये कंट्रोलर, तो आप मोबाइल के भी थ्रू आप चला सकते हैं, तो आप परेशान मत होइए, जिसकी भी खराब हो चुकी है आप कंट्रोलर अमेजोन पर सर्च कीजिए, अगर ऐसा ही सेम कंट्रोलर है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जिनकी भी ये कार खराब हो चुकी है वो रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 10-15 हज़ार फंसा के आपका ये नुकसान में चला गया, आप इसको रिपेयर कर सकते हो। इसी जो आपका कंट्रोलर लगा है सेम सिमिलर कंट्रोलर आप मंगवा के, या थोड़ा डिजाइन अलग है, पिन सेम है, तो उसको मंगवा के मोबाइल से कनेक्ट करके आप चला सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक अवश्य करें अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए, और इसी टाइप की अगर कुछ रिपेयरिंग वीडियो आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।